ठाकुर का श्री चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, परम पूज्य श्री श्री वर्मा का चरण में कोटि कोटि प्रणाम, परम पूज्य वाद श्री श्री वर्धा का चरण में कोटि कोटि प्रणाम, परम पूज्य वाद आचार्य श्री दादा का चरण में कोटि कोटि प्रणाम, पूज्य वाद बाबाजा का चरण में कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित आज ये सत्संग में हमारा कमल प्रसाद जी, जिन्होंने हमको आज ये सत्संग में उपस्थित होने के लिए मौका दिया, उनका एवं आज जो ई सत्संग हो रहे पटना से, सभी का मैं बहुत आभारी हूं। और हमारा परम श्रद्धेय नारायण प्रसाद जी प्रतिरीति एकदा बहुत बुजुर्ग इष्ट प्राण ठाकुर का कर्मी है, कभी कभी दादा का पास सामने जब हम लोग बैठता हूं, जयगुरु आदान प्रदान होता था उनका साथ। आप लोग तो बुलाया हमको, बात ठीक है, हम लोग तो सब माउथपीस हूं, माउथपीस का साथ उनका अगर कनेक्शन ठीक रहे ठाकुर बाबा बात आएगा, उनका पीपा बिना उनका एक भी शब्द हम लोग बोलना नामुमकिन है। उनका असीम कृपा चाहिए उनका बारे में बोलने के लिए। बहुत करोड़ों करोड़ों जन्म भाग पूर्ण से आदमी के जीवन में पुरुषोत्तम को मिलता है, बोलता है 84 लाख का जोनी घूम के एक बार मानव जीवन मिलता है। कीड़ा पतंग पेड़ पौधा मछली गाय भैंस कितने बार हम लोग जन्म लिया, हम लोग को कुछ पता नहीं है। बहुत भाग से मानव जीवन मिलता है, इससे भी अधिक भाग होगा बहु जन्म जन्मांतर अगर कुछ अच्छा काम करे तो स्वयं पुरुषोत्तम को मिलने का मौका मिलता है। आप लोग को भी पता है हम तो परम पिता का अशेष दया में हम उसका यज्ञ नहीं हूं, 500 उम्र से ही हर साल में 3-4 बार ठाकुर को दर्शन करने का मौका मिलता था, ठाकुर के पास जाके बैठने का मौका मिलता था, उनका मुंह से अमृत शब्द जो निकालता था वो सुनने का मौका मिला था। कुछ बात श्री बड़दा का साथ बहुत मंदिर में, मंदिर उद्घाटन में श्री बड़दा कृपा करके मूर्ख आदमी को लेके गया, बहुत प्यार करता था। कुछ बात दादा भी बहुत प्यार, कुछ बात बाबाजा भी बहुत प्यार करता है, हम लोग प्यार का योग्य नहीं है। उनका कृपा है, प्रभु का कृपा है, उनका कृपा से सब कुछ होता है, उनका दया असीम है। श्री श्री ठाकुर, कभी किसी ने बोला ठाकुर को, ठाकुर जो आपको जो ग्रहण करके चल रहे है उन लोग क्या ठीक मनुष्य होगा? ठाकुर ने बोला, ठाकुर का जो लड़का होता है ना संतान, नॉट बाय बर्थ, जो हम लोग जितने आदमी ठाकुर का अनुयाय है हम लोग सब उनका संतान, वो हमारा परम पिता है, ब्रह्मांड का पिता है। ठाकुर ने बोला, किसी ने बोला था उन लोग क्या ठाकुर, उन लोग तो बोलता है आप परम पिता है, ये सारा आपका संतान है, वो कभी ठीक आपका माफिक होगा क्या? ठाकुर ने बोल रहे, मेरा माफिक नहीं होने से भी कुछ तो होगा। बोला अगर सोलवाना मीन्स सोलवाना नहीं होगा तो एक आना भी हो सकता है। तब ठाकुर ने एक हिंदी हुआ यूज किया था, बाप का बेटा सही का घोड़ा, कुछ नहीं हो तो थोड़ा थोड़ा। ठाकुर का ये पहले बार मैं हिंदी में शब्द सुना, मेरा इतना अच्छा लगा। ठाकुर बोल रहे, बाप का बेटा सही का घोड़ा, कुछ नहीं हो तो थोड़ा थोड़ा, मतलब कुछ तो होगा अगर हम लोग उनको लेके अपना जीवन में चलने का कोशिश करूंगा। दीक्षा लेने से ही कोई शिष्य नहीं होता है, हम लोग वित्त का मार्फत हम लोग को सत्संग मिलता है, मिलने के बाद कोई आदमी तो सारा जिंदगी ऐसे ही चला जाता, कोई अनुभूति ठाकुर का लिए नहीं होता। उसका कारण एक ही है, जब ऋतिक दीक्षा देने के टाइम बोलता है
तुम प्रतिदिन सुबह उठ के सूरज उठने के पहले थोड़ा नाम ध्यान करो, मिनिमम 45 मिनट नाम करो, नहीं हो सकता तो 10-15 मिनट तक बैठो। इसके बाद तुम्हारा समाजिक अर्थ से कोई आशा नहीं रख के, कोई उम्मीद नहीं रख के, कोई चाहत नहीं रख के तुम प्रभु को भोग के लिए कुछ निवेदन करो। ये जो स्त्री की निवेदन हम लोग करता हूं, ये एक नया ठाकुर चीज नहीं दिया। गीता में प्रभु कृष्ण ने कहा, तुम जो चीज हमको नहीं दे के खा रहे तुम चोर है। तुम प्रतिदिन कुछ ना कुछ उनको निवेदन करके हमको ओ हमारा जो जल ग्रहण करना है। इष्टान भोगानी भोग एवा दश्यन्ते जगभाविता तत्ताना तो देव जो भुगते नस्कर है वो। इष्ट के भोग निवेदन नहीं करके जो हमारा सब कुछ है विश्व ब्रह्मांड में जो आपने ग्रहण करता है वो चोर है। तो ठाकुर कृपा करके ये युग में आके इस भीति को इतना अच्छा तरीका से निवेदन ठाकुर हम लोग को बचने बढ़ने के लिए दिया है। उसको कोई व्याख्या, आप जितना शास्त्रीय व्याख्या करते करते हमारा जिंदगी चला जाएगा, उसका ठीक ढंग से हम लोग आदमी के पास पहुंचा नहीं सकते। तो ये भीति इष्टान भोगानी भो देवा दशंते जगभाविता तत्तान प्रदेव जो भुगते ना हम लोग जो नहीं उनको करके दे रहा हूं। हमारा जो साइकोलॉजिकली मेंटली फिजिकली हम लोग जब स्त्री थोड़ा नाम करने बैठता हूँ, थोड़ा ध्यान लगाता हूँ, इसका बाद में जब हाथ में 1 पैसा हो और 100 रुपया हो, हमारा मन में जी ठाकुर तो बोला नहीं तुम्हें इतना देना पड़ेगा। ठाकुर ने बोला तुम भोग के लिए जो दे रहे उसको कोई प्रत्याशा नहीं रखना, उसको कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं रखना। प्रभु के पास निवेदन करके प्रभु तुम कृपा करके ग्रहण करो, मेरा बहुत बहुत भाग है तुमको आज सुबह उठ के भोग खिला के मेरा मौका मिला। और वो स्थिति करने का माध्यम से हमारा पूरा जो फिजिकल सिस्टम है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, हमारा जो मेंटेलिटी है, सब में अलग से प्रभाव पड़ता है। कोई आपत्ति विपत्ति आने के पहले वो कॉन्शस कर देता हमको, अगर स्थिति कंटिन्यू हो तो अकाल मृत्यु होने का इसमें कोई संभावना नहीं रहता। और स्थिति ऐसी जी है, स्थिति आदमी के जीवन का सामर्थ्य युग, हम जहां हूं वहां से हर बार जाता। मैं मेरा जीवन में एक घटना है, कभी एक भिखारी डेली भिक्षा करता है तो हम बोला भाई तुम जो भिक्षा कर रहे है जवान लड़का है भिक्षा क्यों कर खाई नकली डब्बी काला सो। हाँ जिसका घर में जाता हूँ गाली देता है, नकली भी कहाँ नहीं मिलता, बेकार समस्या बहुत ज्यादा है, पेट को तो कुछ देना होगा, ना है माप ना है बाप, कोई हिसाब से जीने जीने के लिए हमको चारा बिना कोई रास्ता ही नहीं। बोला तुम भाई दीक्षा ले लो ठाकुर का, ठाकुर अनुकूल चंद्र का दीक्षा ले लो। तो बोला दीक्षा लेने से क्या करना पड़ेगा, दीक्षा लेने से तुमको तो जो नाम मिलेगा, नाम तो चलते फिरते उठते बस हमेशा नाम करना, बैठ के थोड़ा ध्यान करना, और सबसे बड़ा चीज है सुबह उठ के कुछ खाने पीने के पहले सूरज उठने के पहले थोड़ा ध्यान करके उनके लिए कुछ निवेदन करना। और क्या निवेदन करना पड़ेगा, उनका भोग के लिए तुम जो कर सकता वही करना। पर देखिए मेरा ही तो पेट नहीं चलता, मैं उनके लिए कैसे निवेदन करूं। मैं बोला तुम करता है क्या, तो मैं भिखारी हूं। बहुत अच्छा बात है भिखारी है भिक्षा करो। बोल रहा देखिए आप लोग का सुना हूं दीक्षा लेने के लिए भी पैसा चाहिए, बिना पैसा में दीक्षा भी नहीं होता। मैं बोला हाँ वो तो बात है, तुमको तो गुरु का प्रणाम ही देना पड़ेगा, दक्षिणा रखना पड़ेगा, है तुम्हारे पास कुछ आज भिक्षा करने के बाद, कुछ नहीं है। कोई बात नहीं तुम सब जगह से भिक्षा करता हो, हमसे भी भिक्षा मांगो, मैं भी तुमको दे दूंगा भिक्षा के लिए। तो बोला ठीक है आप भेजिए मैं दीक्षा ले लेता हूँ। तो मेरे मांगो तुम कहा भिक्षा के, हम मैं आपको भिक्षा मांगता हूँ गुरु प्रणामी, और जो जो चीज चाहिए उसके लिए आप पैसा हमको भिक्षा दे। तो दे दिया उसका भिक्षा हो गया। तो बोला कल सुबह से मैं स्थिति कैसी करके करूं, उसके लिए तो पैसे चाहिए। मतलब तुम कोई वस्तु से स्थिति कर सकता,
जिसका कोई बाजार में वैल्यू आए ऐसी कोई चीज से कर सकता। ठाकुर ने ऐसी बोला, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, मिट्टी तो है, रेत तो है, पैर का पत्ती तो है, और कुछ नहीं है, हवा है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, वो हवा को पकड़ के उनके लिए निवेदन करो। बोला एक काम कर, मैं बोला एक काम करो, तुम भिक्षा करके लौटने का डाय छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा ले लो, दांत मारने के लिए जिसी छोटा सा टुकड़ा होता है ना, ऐसे एक टुकड़ा लेके जाओ घर, सुबह उठ के उसके लिए वही मंत्र पढ़ के रख दो, अब 30 दिन हो जाएगा तो वो बाजार में बेच के जो पैसा है उसके बीजी स्वरूप भेज देना। ठीक है, इसमें तो कोई समस्या नहीं, मैं कर सकता। वो क्या करता था, डेली भिक्षा करके लौटने का टाइम छोटा से कोई पैर से लकड़ी का टुकड़ा निकाल लेता और डेली उससे स्थिति करता है। 30 दिन होने के बाद वो आया, वहां मेरा स्थिति कैसी भेजू, ये लकड़ी का टुकड़ा तो लेगा नहीं, यहाँ स्थिति रहता है, कहा वो तो नहीं लेगा, आप एक काम करो कोई चाय का दुकान में भेज दो, 2 रुपया 3 रुपया 4 रुपया 5 रुपया कुछ तो देगा। तो हाँ, चाय का दुकान में ले गया 30 छोटा छोटा लकड़ी का टुकड़ा, 3-4 रुपया दे दिया, वो हम बोला यही स्टिविटी भेज दो, ऐसी करके वो स्टिविटी करते रहता है, भिक्षा भी कर रहा है। स्टिविटी ऐसी चीज है हमारे जीवन का सामर्थ्य, जो सामर्थ्य है हम जहां हो वहां से और भी और आदमी को चरा देता है, आदमी का डेवलपमेंट होता है, उसका मेंटल फिजिकल और सारा साइज। तो वो क्या किया, स्टिविटी लकड़ी का टुकड़ा तो लेता था, वो क्या किया, बोले मैं तो ये लकड़ी का टुकड़ा लेता हूँ स्टिविटी करने के लिए, अगर मैं जंगल जाके डेली थोड़ा लकड़ी काट के ले आऊ उसको बाजार में बेच दू, मेरा पेट भी चल जाएगा, स्टिविटी भी हो जाएगा। उसका जो है ददामी बुद्धि युगंतम तेषांग सतत युक्तानां भजतां प्रतिबुद्धगां ददामी बुद्धि युगंतम, बुद्धि जो मैं तुम्हारा देता हूँ, तुम हमारे साथ अगर युक्त रहेगा तो, युक्त तो नहीं होगा तो ये बुद्धि योग भी तुम्हारा अंदर प्रकाश नहीं होगा। नाम का सबसे बड़ा महिमा है, तुम मैं बुद्धि देता हूँ, श्री कृष्ण जी ने बोला। ठाकुर भी बोला तुम अगर मेरा होकर चलेगा कहां से कहां आएगा, कुछ चीज होगा तुम्हारे जीवन में, तुम सोच के भी विचार करके भी कुछ कर नहीं सकते। तो आदमी जंगल से जाके लकड़ी काटता था, लकड़ी काट के बाजार में बेच देता था, उसका पेट भी चलता था, स्टिविटी भी चलता था। ये जंगल से लकड़ी काटता था, धीरे धीरे उसका क्या हुआ, वो एक दिन एक बड़ा ठेकेदार आया, आके बोला तू ये जंगल में लकड़ी काटता है, कहां कि जंगल में बहुत पेड़ में सरकार से ले लिया, उसमें मेरा मार्क लगा दी है, ये नंबर है मेरा, वो सारा जितने पेड़ है बड़ा बड़ा वो काट के ये साइज का काम तो देना पड़ेगा, तो कर सकता है, वो तो ऐसे काम किया नहीं। बोला ठीक है आप बोल रहे हो तो मैं कर लूंगा। वो और 2-4 आदमी को लेके सारा लकड़ी काट दिया, उसको जो आदमी कभी नोट नहीं देखा हाथ में, 2 लाख रुपये वो आदमी दे दिया। बाबा बोले स्टिविटी का तो इतना शक्ति है, जहां मैं भिक्षा करता था खाना नहीं जुटता था, हाँ आज ठाकुर के स्टिविटी करते करते हमारा जीवन में इतना परिवर्तन हो गया। वो आदमी बाद में अगरतला शहर में 100 मील दिया, एक नहीं 3-4 100 मील बनाया लकड़ी काटने के। तो देखिए कोई स्थिति के जो शक्ति है, केवल ये नहीं है, अगर आदमी के जीवन में अगर अकाल मृत्यु है, अकाल मृत्यु का हाथ से भी स्थिति जजन जाजन सस्तनी सदाचार ठीक से अगर पालन करे, उससे भी आदमी के जीवन में मुक्ति मिल जाता, अकाल मृत्यु नहीं होता। ऐसी लाखों करोड़ों घटना जो ठाकुर को लेके चल रहा है हर जीवन में आए। कभी ठाकुर कोई कारण से और जो देवघर का पास जो बड़ा शहर है, क्या नाम है इसका, नाम भी मैं भूल गया, दुमका, दुमका में कोई घटना घटा था देवघर में, आप लोग जो पुराना गुरु भाई उन लोग को पता होगा, आनंद बाजार में जो पुराना आनंद बाजार था वहां आग लगा था, आदमी का मृत्यु हो गया था, सीसी बर्दा को पुलिस ले गया था सब दुमका। वही टाइम सीसी ठाकुर दुमका चला गया था, तांबू लगा के एक मैदान में ठाकुर रहता था, उधर केस चल रहे सीसी बर्दा के बारे में, सीसी ठाकुर भी था, सीसी वर्मा भी था उनका साथ, ठाकुर कोई तांबू में ही रहता था। वहां एक आदमी वहां का आपका
ये सावताली है, वो डेली एक बार ताबू में आता है, ठाकुर के सामने आके बैठा रहता था, कुछ नहीं बोल पाता, बोलता हमको बहुत अच्छा लगता है आपके सामने बैठने से। प्रतिदिन आता था, एक दिन आया आके उसका मुंह बिल्कुल जैसे कोई बड़ा जंत्रणा उसका अंदर से बहुत कष्ट उसका हो रहा है। ठाकुर देख के बोला क्या हुआ तुम्हारा आज ऐसी क्यों लग रहा है? तो ठाकुर जी हमारा जो परिवार है, हमारा 14 पुरुष से एक सिस्टम बना है, हमारा वंश में क्या अभिशाप नहीं क्या है पता नहीं, जो हमारा जो 45 एज होने से मृत्यु हो जाता, हमारा पिताजी का ऐसी मृत्यु हुआ, हमारा पार दादा का भी ऐसी मृत्यु हुआ, उनका पार दादा को भी ऐसी, जनरेशन आफ्टर जनरेशन चल रहा है। तो मेरा काल सुबह होते ही मेरा 45 ईयर्स हो जाएगा, मैं काल का सूरज आज नहीं देखता। ठाकुर उसको बोला इधर आ, तुम्हारा दाहिना हाथ दो। वो दाहिना हाथ दिया, ठाकुर दोनों हाथ से उसका हाथ थोड़ा टाइम रख दिया और बोला ये हाथ को तुम बिल्कुल देखना नहीं, कल सूरज उठने के बाद ही ये हाथ देखना, ये हाथ से कोई काम भी नहीं करना। वो तो पता है उनका परिवार, उनका जो ज्ञाति कुश्ती जो है सबका पता है, उनका मृत्यु हो जाएगा वो दिन, सब सरंजाम हो गया उनका डेड बॉडी ले जाने के लिए। वो तो सो गया, खाना भी नहीं खाया, वो हाथ मुठ नहीं खोला, किसी को हाथ दिखाया भी। जब सूरज उठा सुबह का, वो अपना शरीर पकड़ है तो ये जिंदा है, उसके बाद वो हाथ देखा, उसको मिसेस को बुलाया, मैं जिंदा हूं, आज तो मेरा मृत्यु का मृत्यु था, हमारा पिता का पिता उनका पिता का पिता ऐसी करके 45 साल में मृत्यु हो गया, ये क्या बात है। वो कुछ खाया पिया नहीं, दौड़ के ठाकुर के पास तांबू में गया और रोना शुरू कर दिया, हे प्रभु तुम कौन हो जो हमारा पूरा वंश में वंश ऐसी मृत्यु हुआ उसको तुम आज हमको बचा दिया। इसके बाद वो आदमी 75 ने 80 ईयर्स तक जिंदा था। ठाकुर क्या है हम लोग अभी भी नहीं समझा, ठाकुर क्यों आया, ठाकुर क्या चाहता है दुनिया के लिए। फिर बोलता मैं सभी के मुंह में हंसी देखना चाहता हूं, सब सुखी रहे, सब आनंदमय रहे, सब दीर्घ जीवी हो, वो मैं चाहता हूं। दुख का बात है हम लोग पंजादारी होने का बाद भी, मैं मेरा बात बोल रहा हूं, हम लोग उनका बात को ठीक ठीक फॉलो नहीं करते। मैं भी वित्त का पांजा होने के बावजूद भी मैं कभी आमी अमानी मैं क्रोधी मैं नीलस मैं कामलू मुझे प्रतिदिन पाठ नहीं करता ठाकुर के सामने। हम तो बोलता हूं जब दीक्षा के टाइम बोलता हूं, तुम इस स्थिति करने के पहले बोलिए ओम ब्रह्म पर ब्रह्म कुल मालिक राधा स्वामी दाल का चरण में कोटि कोटि प्रणाम, मैं अक्रोधी मैं अमानी मैं नीलस मैं कामलू मुझे मैं प्राण सभापतु अस्थि वृद्धि जाजन जुक्त परमानंद उद्दीप्त सत्य समृद्ध तुम्हारी संतान प्रेम पुष्ट चीर चेतन अजर अमर मुझे ग्रहण करो। हम लोग जब दीक्षा देने के टाइम बोलता हूँ ये करना प्रतिदिन, हम खुद नहीं करता, साथ बात में बोल रहा हूँ। एक दिन शिष्य बढ़ता हो तो अंतर जामी पुरुष है सब जानता था, एक दिन बढ़ता हमको बुलाया बढ़ता का घर में, तो सुन इधर आ, मैं प्रणाम करके बैठा, मैं सोचा क्या गलती हो गया, कहा वर्धन बोला तू सतानों का पाठ करता है डेली? मैं बोला मैं पाठ नहीं करता। क्यों नहीं करता? मैं सुबह सुबह डेली उठ के मैं ये बात बोलूंगा ठाकुर के सामने, एक भी बात मैं जीवन में उसको उतार नहीं सकूंगा तो डेली मैं झूठा हो जाऊंगा इसलिए नहीं बोलता। शिष्य वर्धन हंस के बोल रहा है वो बात नहीं, तुमको प्रतिदिन उनके सामने बोलना है, शपथ लेना है, लेते लेते तुम्हारे जिंदगी में वो चीज कोई क्वालिटी ऑटोमेटिक आएगा, तुम ये गलत चीज मत करना। हम तुम्हें हाथ जोड़ करके बड़ा से माफी मांगा। मैं बोला हाँ कल से मैं अक्रोधी मैं अमानी प्रतिदिन पाठ करूंगा, मैं कोशिश करूंगा वो गुण में रहकर। हाँ पाठ करना है, ठाकुर जैसे दिया उसे कोशिश करना है हमारे जीवन में, कुछ हुआ ना नहीं हुआ दिस नॉट द क्वेश्चन, हमको प्रतिदिन अपना जीवन में उतारना है, उतारते उतारते हमारा
जीवन का परिवर्तन होगा। ठाकुर ने बोला एक मिट्टी का घड़ा है, उसमें छेद है, और छेद है तो आदमी क्या करता है, फेंक देता है, इसमें पानी रखे करते गिर जाएगा। ठाकुर ने बोला वो पानी रखते रखते उसमें जो फंगस फॉर्म होगा, सेवला जिसको बोलते हैं बांग्ला में, पानी बंद हो जाता। तो ठाकुर इतना आशावादी था, हर कुछ में जीवन में ऐसी कुछ नहीं है ठाकुर उसका बिल्कुल उम्मीद छूट गया। ठाकुर सब में उम्मीद है, तुमको भरोसा करना पड़ेगा, तुमको मेरे साथ युक्त होकर रहना पड़ेगा, तुम हमेशा कोशिश करना तुम मेरे प्रेम करने की कोशिश करो, मैं जो बोल रहा हूं तुम्हारा जीवन का अपनाने के मैं कोशिश करो, करने से धीरे धीरे सब कुछ संभव। ठाकुर का जो सब कुछ, जब ठाकुर पाबला में था, एक मुसलमान चोर है वो आके ठाकुर का जो हिमायतपुर में स्कीमार घाट है, वहां बाजीतपुर स्टीमर घाट, वहां सारा आदमी उतार के हिमायतपुर में आसपास गांव में आदमी जाता था, वहां वो प्रतिदिन आदमी का पकड़ मारता था। वो एक दिन घूमते घूमते ठाकुर के पास आके इधर उधर देखा कोई आदमी नहीं है, ठाकुर बैठा है। ठाकुर बोला हाँ क्या नाम है तुम्हारा? बोला क्या मियां है, मुसलमान भाई है। अच्छा क्या करता है तुम? वो इधर उधर चारों साइड पहले घूमा, देखा कोई आदमी नहीं, तब बोला ठाकुर आप किसी को नहीं बोलना, मैं आपका पास इसीलिए आया, प्रतिदिन कोई ना कोई आदमी आपका पास सारा सभी जगह से आता है। मैं बोला क्या चीज है ठाकुर अनुकूल चिंदो, मेरा मन हुआ मैं आपको देखने के लिए आया। तो बहुत अच्छा बात है, तुम मुसलमान हो ना? तो बोला हाँ मैं तो मुसलमान हूँ। तुम नमाज पढ़ता है क्या? वो बोला नहीं ठाकुर मैं नमाज नहीं पढ़ता, मैं तो चोर हूं ना, आपको बोला मैं पकड़ मारता हूँ आदमी को, कभी एक आना कभी दो आना, कभी एक पैसा कभी दो पैसे ऐसे मिलता है, उस टाइम पे जो पैसा का वैल्यू था वो मिलता था, उसमें मेरा संसार चल जाता, खाना पीना चल जाता, और नमाज तमाज नहीं पढ़ता, मस्जिद में भी नहीं जाता। ठाकुर बोला तुम चोरी करो, ठाकुर मना नहीं किया, तुम चोरी छोड़ दो, चोरी बंद कर लो, ठाकुर नहीं बोला। बोला तुम एक काम करो, तुम जो कर रहे हो करो, बस नमाज प्रतिदिन करना, कलमा मानना, पांचत्र जो ये है पांचत्र नमाज वो करो, जो जो नियम है वो करने की कोशिश करो। ठीक है ठाकुर आप बोला, तो मेरा बात नहीं बोलना, मैं ये चोर हूँ। ठाकुर बोला नहीं नहीं तुम चोर हुआ क्या होगा, तुम तुम्हारा पेट के लिए करो करो, करते जाओ, माना नहीं किया। उसको नहीं बोला तुम नाम ले लो, दीक्षा ले लो, तुम तुम्हारा जीवन का परिवर्तन मैं करा देता हूँ, ऐसे नहीं बोला। ठाकुर बोला तुम चोर है चोरी करो, बट नमाज करो भाई। ठाकुर नहीं बोला तुम आके यहाँ दीक्षा ले लो, देखिए बात हो जाके चला गया, तो नमाज वही दिन से वो नमाज शुरू कर दिया। जहां रहे लोग आपका चोरी के टाइम में भी जहां चोरी करने गया वहां भी बैठ दो नमाज करना। नमाज करते करते उसको पैसा बदलेगा, पहले 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया मिलता था, अभी उसको 15-20 रुपये मिल जाता वही टाइम, चलो वाह 1-2 रुपये मिलता था, अभी तो कमाई तो बढ़ गया नमाज करने से। ठीक है ये छोटा मोटा हाथ मारता हूँ डेली, उसमें 10-15 रुपया हो जाता, क्या काम करूं मैं, और भी ज्यादा पैसा सब चाहिए, पैसा खाते आदमी को लोभ होता है। तो गांव में ना एक घर देख लिया, बड़ा देखा उन्होंने क्या किया, उसे रात 3 बजे जाके वो मिट्टी का घर नीच से जो मिट्टी काट के अंदर पहुंच गया, घर में जाके सारा सामान निकाल लिया, सारा सामान निकाल के उसको कपड़ा से बांध लिया। वही टाइम नजदीक वाला कोई मस्जिद से अजान आवाज आया,
अल्लाह कर कर तो क्या कि अपना जो मिट्टी की भड़ा है सारा शरीर में, वो गामसा बिछा के वो नमाज करना शुरू कर दिया। तब सुबह भी हो गया, वो नमाज कर रहे आंख बंद करके, जब नमाज खत्म हो वो आंख खोलते ही देखा उसका चारों साइड डंडा लेके आदमी खड़ा हुआ, 15-20 आदमी गांव का, उसको पूरा घेर लिया। तो उसका पसीना छूट रहे, बोला अभी तो मर गया। कि ठाकुर अनुकूल चंद्र का ये नमाज करने करने के लिए आज मेरा जिंदगी में इतना बड़ा विपत्ति आया। अगर मैं वही टाइम नमाज नहीं करके चोरी का माल लेके भाग जाता, माल भी मिल जाता, मरता भी नहीं, आस्ती यहाँ मृत्यु बिना कोई रास्ता नहीं, सब मार देगा इतना आदमी खड़ा हुआ। तो हाथ जोड़ करके सबको बोल रहा है, मैं माफी मांग रहा हूं, मेरा बहुत लोभ आया था, मैं इसीलिए सारा सामान आप लोग उनका घर से निकाल लिया था, हम मैं माफी मांग रहा हूं, हमको माफ कर दीजिए, मारो मत हमको। उन लोग बोल रहे, तुम कैसे चोर हो सकता है, जो आदमी नमाज कर रहे अल्लाह को मानता है वो कभी चोर नहीं हो सकता। वो बोला, नहीं नहीं मैं ही चोर हूं। पर नहीं, तुम तो अल्लाह का पैगंबर हो, हमारा घर का संपत्ति, हमारा गांव का संपत्ति तुम बचा के रखा, अपना पहाड़ादारी कर रहे। उन लोग विश्वास नहीं किया वो चोर है। तब उसका आंखों में आंसू आया, ठाकुर जो नमाज करने के लिए बोला, अगर वो नमाज नहीं करता आज इसको वहां मृत्यु हो जाता। इसके बाद वो ठाकुर का पास गया, रोते रोते वो ठाकुर को बोला, हे मालिक, तुम तो ब्रह्मांड का मालिक, आज तुम हमको बचा दिया, मैं नाम लेना चाहता हूँ, नाम भी लिया, बहुत ठाकुर मोह होके वो चलते। ऐसी हजारों लाखों जीवन का घटना है, मेरे कुछ बोल रहा है क्या? हेलो, कोई नहीं बोल रहा है। अच्छा अच्छा, जरूर ना ना, आपका टाइम होने से आप हमको नक कर देना प्लीज। मैं भी टाइम है, आधा घंटा है, आधा घंटा। जो गुरु जो, तो इसी हजारों आदमी के जीवन में इसी घटना है। एक आदमी तब ब्रिटिश पीरियड था, ठाकुर पाटना में था वो, ये कहानी मैं जो बोल रहा हूँ आप लोगों को कोई किताब में मेरा लागे नहीं मिलेगा। ब्रिटिश पीरियड में इंग्लिश आपका ढाका में एक आदमी रहता था रतिन शाह करके, वो वही टाइम में इंग्लिश में मास्टर डिग्री था, स्कूल इंस्पेक्टर का नौकरी मिला, स्कूल इंस्पेक्टर था। कभी कोई ऋतिक दादा का संस्पर्श गया, ठाकुर का दीक्षा ले लिया, दीक्षा लेने का उसका मन बहुत खुश है। वो कह गया, जब ऑफिस में गया, सारा आप बाकी इंस्पेक्टर को बुलाया, मिठाई लेके सबको मिठाई खिलाया, कहीं मिठाई क्यों खिला रहे, तुम्हारा बच्चा अच्छा हुआ ना, नया घर खरीद किया? नहीं, मैं आज गुरु ग्रहण किया। कोई कौन से गुरु ग्रहण किया? ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का नाम सुना पाटना में, इमायतपुर में रहता है? कहा, हाँ सुना। वो ही हमारा गुरु है, मैं दीक्षा लिया सुबह, इसीलिए आप लोग को मिठाई खिला रहा हूं। बोला, अरे आप लोग का, तुमको आज गुरु नहीं मिला? ये तो वहां तो गुरु है, बट वहां तो सारा औरत का कारोबार चलता है, वो तो हमेशा प्रेम में बिजी रहता है नारी लेके, ऐसी अपशब्द बोला उनको। बोलते उसका मुंह बिल्कुल काला हो गया। बोला, क्या बोल रहे, ये तो भगवान है, मैं सुन रीति दादा ने बोला, ये ब्रह्मांड का मालिक है, ये कभी नहीं आया, ये कभी जीत में कल के अवतर है, विश्व को बचाने के लिए आया। उन लोग कोई नहीं सुना, कहीं नहीं नहीं उसका चरित्र का कुछ ठीक नहीं है। वो साथ साथ एक दो दिन का छुट्टी का एप्लीकेशन देके चला गया पापना, वही जाए घर नहीं वापस हुआ। बोला, आज तो देख लूंगा जाके वहां। शाम तक पापना में पहुंचा, हिमायतपुर गया, जाके आदमी को पूछा, पर्दा का किनारे घूम रहे? बोला, यहाँ ठाकुर का घर कहाँ है? ये ठाकुर का घर है, ये जो पर्दा का बांध का किनारे जो रूम देख रहे ना, अभी शाम हो गया, ठाकुर आएगा अभी आप अवश्य के लिए। और ठीक है, बोला मैं पहले छुप के देखता हूँ वो क्या करता है। वो बिल्कुल मच्छर ट्रक्चर भरा है, कीचड़ है, जंगल है, वहां छुप गया वो, देखा ठाकुर आ रहा है। तो आदमी दो चार आदमी आके बैठा है, बोला ठाकुर आ रहे, ठाकुर आ रहे, सब खड़ा हो गया। बोला, अभी तो आएगा। हाँ,
देखा ठाकुर दो नाड़ी का हाथ डाल के कान का ऊपर गला पकड़ के सबको ठाकुर दोनों को लेके अंदर आया। बोला हाँ देखो हमारा जो दोस्त लोग बोला ये सच है, यहाँ तो लड़की का व्यापार चल रहा है। वो धीरे धीरे बोला अभी जाके मैं अटैक करूंगा, उनको पीट के मैं चला जाऊंगा, इसी उसके मन का भावना हुआ। धीरे धीरे वो ठाकुर के सामने जब जा रहे सुन रहे है, एक उनका लड़की है और एक ठाकुर का छोटा भाई है, दोनों को आंख में हाथ डाल के ठाकुर अंदर आया। जब बातचीत में सुना ये तो उनका लड़की है, ये तो उनका सिस्टर है, मैं क्या सोचा, उसका मन खराब हो गया, बोला अभी क्या होगा। तब ठाकुर उसको बोला ए इधर आओ साहा, इधर आ जाओ। वो कांपते कांपते ठाकुर के पास गया, बोला क्या हुआ इतना चिंतित क्यों? चिंता का कोई बात नहीं है भाई, देखो आदमी जब बर्तन मिट्टी का बर्तन खरीद करने बाजार जाता है ना, उसको पीट के देखता है उसमें कोई छेद आईना नहीं है। तुम भी ठीक किया, तुम तुम्हारा गुरु को पीट के देखा उसमें कोई छेद आईना नहीं है, ये बिल्कुल कहीं छेद नहीं है भाई। तब एक बात सुनो, गुरु को तो परीक्षा ले लिया तुम और वो रो रहे, हे प्रभु तुम कृपा करो, तुम हमको दया करो, मैं बहुत गलती सोच लिया। नहीं नहीं बहुत अच्छा किया, कोई चीज लेने का टाइम उसको ठीक से देख के लेना चाहिए, तुम अच्छा किया। बात एक बात है, तुम भी परीक्षा देना पड़ेगा, अभी तो तुम मेरा परीक्षा ले लिया, तुमको भी हमको परीक्षा देना पड़ेगा। हम लोग मैं अपना जीवन में ठाकुर को लेके चलता हूं, ठाकुर बहुत टाइम हम लोग की परीक्षा करता है। हमारे प्रति इतना कितना टान है हमारा ठाकुर का प्रति, हमारा कितना भक्ति है ठाकुर। कोई टाइम देवघर में भी जितना आदमी था उन लोग को बोल दिया था रात को, जो जो कल सुबह मेरे पास आएगा प्रणाम करने के लिए, घर में जितना आदमी है सबका लिए कुछ पैसा, सबका नाम से कुछ पैसा लेके ले आने के लिए। सब आदमी आया ठाकुर देवघर में जो रहता है भक्त बिंद, तो बोला है ठाकुर एक एक को बुलाया, तुम लेके आए तुम्हारे घर में कितना आदमी आए? कर मेरा घर में मेरा माँ बाप है, मेरा बीवी है, मेरा दो बच्चा है, तो दो दो चार एक पांच, मेरा घर में पांच आदमी है, पांच के लिए ठाकुर पांच रुपया लेके आया, एक एक रुपया करके प्रणामी के भाव में डाल दिया, बहुत अच्छा है। इसके बाद दूसरा कोई बुलाया, वो भी ऐसी है, हमारे घर में तीन आदमी है, तीन के लिए तीन लेके आया। तब ठाकुर का मुंह बिल्कुल काला हो गया, हम क्या तुम्हारा घर का नहीं है? हम भी तुम्हारा घर का है, तो हमारा जो अनुराग का भाव है, आप ठाकुर हमारे जीवन घर में सब कुछ सब सर्वोपरि ठाकुर है, सबके ऊपर हमको ठाकुर को रखना पड़ेगा। अगर वो सबके ऊपर मैं ठाकुर को रखू जीवन में, हमारे जीवन में समस्या आ सकता, समस्या आएगा, रोग शोक जड़ा मृत्यु व्याधि हो तो मानव जीवन का एक अंग है, वो आएगा ही, बट वो हमको अकाल में दुनिया से खत्म नहीं करेगा, ये 100% है। ठाकुर वही दिन मन खराब हो गया, उन लोग का घर में केवल उन लोग का वाइफ हस्बैंड बच्चा है, परिवार है, हम नहीं हूं, हम अपना परिवार का नहीं हूं। जब जब तक मैं ठाकुर को अपना परिवार का सबके हेड ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली अगर नहीं मानूंगा तो होना मुश्किल है, हमारा मान अंतर उनके प्रति नहीं जाता है। बच्चे ठाकुर ठाकुर करने से नहीं होगा, हमारे अंदर से ठाकुर को सर्वोपरि रखना पड़ेगा। तो इसी ठाकुर उनको बोला देखो हमको तो परीक्षा ले लिया, तुम भी परीक्षा के लिए रेडी रहना। और वही टाइम शाह जी ने स्कूल इंस्पेक्टर जो था प्रणाम करके ठाकुर को आ गया, बहुत खुश है ठाकुर को मिला, उसको ठाकुर को मिलने से ठाकुर के साथ बात करने से वो सोचा हमारा जन्म जन्मांतर का सब कुछ मिल गया और कुछ नहीं है दुनिया में मिलने के लिए, बहुत खुश से आया। सारा बाकी इंस्पेक्टर जो था उन लोग को बुलाया, पहले उन लोग को बुलाई किया बात से, इसके बाद उन लोग को भी दीक्षा दिखा दिया। तो कुछ दिन जाने के बाद पांच छह महीना हो गया, ठाकुर बाड़ी से पाटा से आया हिमाचल कोर्स, वहां मैनमार नदी है घाटा में, बहुत खरस्रोता बहुत बड़ा नदी है,
शादी के उस पार में उसका ससुर वाला है, उसकी बीबी का बच्चा होगा, तो बीबी का वही टाइम नाव में इस पार से उस पार जाना होता है। अभी पता नहीं क्या सिस्टम है वहां, हाँ अभी शायद ब्रिज तीज हो गया, बहुत कुछ हो गया, इस पार से उस पार नौका से जाना पड़ता है। तो नौका ले लिया रिजर्व करके, नौका मीन्स उसके ऊपर ख्याल भी रहता है, बरसते ही सांड से कुछ ये नहीं होता, शाम्पान ना क्या बोलता है उसको, उसमें लिया। माँ जी तो लेके जा रहे, थोड़ा दूर जाने के बाद माँ जी बोल रहे बाबू क्या हुआ, कब बहुत प्रॉब्लम है बाबू, बहुत बड़ा समस्या है, क्या हुआ है, अभी ना बहुत बड़ा साइक्लोन आ रहा है, कहा वो जो काला मेघ देखा है ना, बिल्कुल ब्लैक टुकड़े आ रहे बहुत दूर के, वो अभी दो चार मिनट के अंदर ही नदी में आके गिरेगा, बहुत बड़ा साइक्लोन, ये नाव भी डूब जाएगा, आप भी डूब जाएगा, मैं भी डूब जाएगा, आपके बीबी भी डूब जाएगा, इसमें बचाने वाला आपको कोई नहीं है। तो माँ जी को बोला, माँ जी तू कोई हिसाब से हमको ले जाओ, मेरा बीवी का तबियत खराब है, उसका बच्चा होने वाला है, देखो ना अंदर में उनको मैं लेटा के रखा, को मैं कुछ नहीं जानता हूं बोल के और जंप करके पानी में गिर पड़ा। माँ जी नाव छोड़ दिया, भाग गया, दो चार मिनट में बहुत बड़ा साइक्लोन आया, नाव को एक बार ऊपर उठा रहे एक बार नीचे फेंक रहे, अभी नाव डूब जाएगा। जो माँ जी था नाव का वो भी चला गया, नाव भी कंट्रोल नहीं हो रहे, कहाँ डूब जाऊंगा, बीबी भी डूब जाएगा, मैं भी डूब जाऊंगा, जिंदगी यहाँ खत्म हो जाएगा। ठीक है ठाकुर को प्राण भर से ठाकुर प्रभु, ठाकुर के पास पाठा ये प्रभु तुम्हारा मंगल इच्छा जो हो, बहुत मन प्राण से ठाकुर को बुला रहे। कुछ टाइम बाद साइक्लोन तो चल रहा है, नाव भी ऊपर उठ रहे नीचे नाम रहे, देखा वो जहां माजी बैठा था, वो माजी का वहां जो बैठा बोलता है ना, उसको कंट्रोल करता है नाव को, वहां ठाकुर बैठा है और ठाकुर पूरा नाव को कंट्रोल कर रहे हैं। उसका आंखों में पानी आ गया, उसको बीबी को जाकर बोला, देखो इतना बड़ा साइक्लोन में नाव डूब जाता, अभी ये कंडीशन में भी हमारा नाव ठीक हो गया, क्यों हुआ पता है, आके देख के जाओ, हमारा ठाकुर बैठा है माजी का जगह में। हाँ रो रहे हो, ठाकुर हमारा हमेशा वो हमारा जीवन का माजी है, साइक्लोन आएगा, मृत्यु आएगा, झड़ तूफान आएगा, जितना बहुत समस्या हमारे जीवन में आ सकता है, बट हम अगर उनका होके मैं चल सकता हूं, ठाकुर हर अवस्था में हमको इस पार से उस पार ले जाएगा। ठाकुर पुण्यभूत ने बोला, देखो एक नदी का इस पार से उस पार आने के टाइम कल भी आपका सॉरी भागलपुर में आज सुबह ना काल है, बहुत बड़ा नाव डूब गया, बहुत आदमी मर गया, रिपोर्ट आया था। हाँ ठाकुर बोले तुमको इस पार से उस पार जाना है, सातार काट के, सातार हिंदी में तैरना बोलता है ना, तैर के तुमको इस पार से उस पार जाना है, पर जब जब मास दरिया में जाएगा ना, वहां पानी का कारण बहुत ज्यादा रहता है, तो इसीलिए तुम हाथ हिलाना बंद मत करो, तुम्हारा सिर को जो उस पार जाने वाला उधार में तुम्हारा सिर रख के हाथ हिलाते रहो, मैं तुमको उस पार ले लूंगा। मीन्स हमारे जीवन में समस्या आएगा बहुत, अंतहीन समस्या है हमारे जीवन में, वो आते ही रहेगा सारा जिंदगी, बट हमारा जो मन, हमारा प्राण, हमारा सिर, हमारा हाथ हमेशा प्रभु का प्रति रहेगा। अगर हम प्रभु का प्रति, प्रभु को होके चल सकता हूं हर अवस्था में, ठाकुर हमको उस पार ले जाएगा। ठाकुर इतना प्रेमी है, इतना दयालु है, हम सोच नहीं सकता, विचार कर नहीं सकता, और प्रभु कृपा करके जितने बार आया ठाकुर, राम कृष्ण बुद्ध जीशु मोहम्मद सिख चैतन्य हजरत रसूल जितना पैगंबर आया, उन लोग बहुत कथा बोल के गया, रामायण हुआ, महाभारत हुआ, बाइबल हुआ, बहुत कुछ हुआ, पर उसको ठीक ठीक फॉलो करना आदमी के जीवन में नहीं होता, जिस कारण समस्या आ जाता, जिस कारण अकाल मृत्यु आता, जिस कारण कष्ट आता है, इसे उतार के उस पार जाना मुश्किल हो जाता है। ये युग में ठाकुर आके जो चीज दिया हमको, जजन जाजन स्टेबिलिटी, सदाचार,
उसको हम अगर निष्ठा पूर्वक प्रतिदिन पालन करें, समस्या तो आते रहेगा, हर समस्या से प्रभु हमको उद्धार करके उनके प्रति ले जाएगा। ये 100% इसीलिए ठाकुर को जो कृपा है, उनको जो दया है, अनंत है। कभी ठाकुर पावना डाकघर में बैठा है, पार्लर में बहुत बड़ा साहित्य गाया, अचिंत कुमार सेन गुप्त बंगाल का बहुत बड़ा साहित्य गाया 1954 या 53 ऐसी होगा। ठाकुर को बोला, ठाकुर आपका पृथ्वी में जितना महापुरुष आया, उन्होंने कुछ बात बोल के किया, वही टाइम वो बात छापा भी नहीं, बाद में वो प्रिंट हुआ, उनका ये मंदिर दंडित कुछ नहीं हुआ, आप रहते रहते अपना सारा किताब छापा रहे, छापने का बात आप दोबारा उसको करेक्शन देख रहे, ठीक मैं ठाकुर आप जो बात बोला ठीक से लिखा है या नहीं लिखा है, ये क्यों कर रहे ठाकुर, वो तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठाकुर बोला, हाँ आप ठीक बात बोला, आप जो बात बोला बिल्कुल ठीक है। अभी मेरा सामने आप जब आया, देखा 4-5 आदमी उठ के गया, कुछ उन लोग को समस्या था, समस्या का समाधान लेके मेरे से किया। एक आदमी को ठाकुर बोला, वो 4-5 आदमी जो अभी बैठा था फलाना जगह से जो आया था, उनको बुला के ले आओ, तब सत्संग का गेट क्रॉस करके जायदाद तो नहीं है। क्या किया उन्होंने, ठाकुर ने उनको भेजा, भाई जल्दी लेके आ जाओ, एक आदमी को भेजा जाए, उनको बुला के लेके आया। ठाकुर आपका अचिंत को सदगुप्त को बोल रहा, देखिए अभी तमाशा देखो आप, बोला अभी जो तुम लोग मेरे पास आया था ये समस्या लेके, एक एक आदमी हमको उसका मैं जो समाधान दिया उसका बोलो, देखा 5 आदमी अपना मनमाफिक उसको बना के ठाकुर को बोल रहे हैं। 5 आदमी जो 5 आदमी बैठा था, ठाकुर जो एक ही उत्तर दिया उसको 5 तरीका से बोल रहे हैं, उनका मनमाफिक। ठाकुर बोला, देखिए मैं जिंदा रहते रहते ये पार्लर से अभी गया, 5 मिनट नहीं हुआ, मेरा बात को उन लोग किसी अपना माफी बना लिया, तो मैं नहीं चाहता हूं, मैं जो संपद दुनिया के लिए लेके आया अपना तरीका से उसको कोई व्यवहार ना करे, अपना तरीका से उसको कोई प्रचार ना करे, ये समस्या जो हुआ कभी श्री कृष्ण आके नहीं बोला तुम बिल्कुल टकला बन जाओ, गला में तुलसी का माला लगाओ, ये कपड़ा पीनो, इसी बात ने और कृष्ण का नाम लेने बोला, कृष्ण होके रहने के लिए बोला था, आज साधु महापुरुष का कोई अभाव नहीं है, मठ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा का कोई अभाव नहीं है, पर मानव जीवन में कोई शांति नहीं है, मानव जीवन में कोई स्थिति नहीं है, मानव जीवन में कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, सभी जगह में एक हाहाकार आए, आप लोग देख रहे हैं कैसी एक धर्म का आदमी धर्म है, धर्म मीन्स बीइंग एंड बिकमिंग, निजे बाचो दूसरा को बचने दो, ये क्या हो दूसरा को मार रहे, वहां धर्म कहां है, धर्म ठगब धर्म धी धातु से आया, जो जिसका करने का माध्यम से अपना जीवन में धीरे 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 वो ईश्वर मुक्त होगा, ईश्वर मुक्त होना, ईश्वर मुक्त होने से आदमी के जीवन में कोई चीज जरूरत नहीं होता, मुंह से ईश्वर मुक्त नहीं होता, तन मन धन सब कुछ देके हम अगर उनके प्रति में सरेंडर नहीं रहेगा, हमारे जीवन का सब कुछ उनका समर्पण नहीं रहेगा, तो कुछ होना मुश्किल है। तो ये जो समस्या जो आदमी के जीवन में आ रहे, ये कोरोना का बीमारी आया, अभी कोरोना का बाद दूसरा साइंस रोग का माफी का बीमारी शुरू हो गया, आज से इंग्लैंड में सारा लॉकडाउन कर दिया, फ्रांस जर्मन बाकी कंट्री में शुरू हो गया, ये कोरोना का बाद दूसरा बीमारी जो आ रहे वो आपका कोरोना से भी और भी भयंकर है, उसमें मृत्यु का संख्या बजायदा बढ़ रहे, वर्ल्ड हेल्थ बोला, तो हम लोग कौन सी स्थिति में पहुंचूंगा, क्या परिस्थिति मानव जीवन में संसार में होगा, उसका ठाकुर ने बोला ऐसी दिन आ रहे तुम 100 किलोमीटर जाएगा तो आदमी नहीं मिलेगा बात करने के लिए, इसी तरीके से ढंग से आ रहे, इसीलिए ठाकुर आज से 30 साल पहले आके 33 साल पहले आके
जजन जाजन स्त्री स्वस्थ सदाचार सतनाम घर घर में पहुंचाने के लिए बोला। आज पूज्य बात हमारा जो प्रधान आचार्य देव आचे भाई पूज्य बात दादा तबियत उनका इतना ठीक नहीं है। रितिकर्ण सत्संग रीति कॉन्फ्रेंस हुआ, आप लोग सब कॉन्फ्रेंस में उपस्थित था। पूजनीय बिंकीदा मार्फत दादा का जो निर्देश है 3.5 कोटी और दीक्षा के लिए उन्होंने हम लोग को सभी को हम लोग को उपदेश दिया। हम लोग सारे और 3.5 कोटी दीक्षा जल्दी से जल्दी श्री ठाकुर के चरण में निवेदन करने। तो हम लोग को सत्संग करने से नहीं होगा, ठाकुर का बात बोलने से नहीं होगा, सबसे बड़ा चीज हमको हमेशा जाजन मुखी करना होगा। हमारे चलते फिरते उठते बसते जो परिवेश जहां मिल रहे, मेरा आत्मीय हो, मेरा कोई दुकानदार हो, कोई ऐसी आदमी हो, अगर मैं किसी का भलाई चाहता हूँ उनको ठाकुर का बात बोलना। और ठाकुर का बात बोलने से हम जाजन मुक्ति होने से जिसके मैं जाजन करके दीक्षा दिला रहा हूं उसका जितने मंगल होगा उससे ज्यादा मंगल जो जाजन करता है उसको होता है। तो हम लोग को हमेशा जाजन मुक्ति होना पड़ेगा। हम लोग घर घर में प्रति दार दार में ठाकुर को बात पहुंचाना पड़ेगा। नहीं तो ये दुनिया में मानव श्री ठाकुर ने बोला इसी दिन आ रहे, ये पृथ्वी में आदमी रहेगा ना नहीं रहेगा चिंता का बात है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं तुम लोग विवाह शिक्षा दीक्षा ये सारा ठीक कर लो, नहीं तो ये पृथ्वी में आदमी रहेगा ना नहीं रहेगा बहुत चिंता का बात है। वही दिन आ रहे हमारे लिए, सारा ब्रह्मा विश्व के लिए वही दिन आ रहे। जो एक्चुअली सबसे बड़ा चीज है शिक्षा दीक्षा आदमी ले लिया और उनका घर में उनका परिवार में अगर मेरी सिस्टम ठीक नहीं होगा तो अच्छा आदमी नहीं आएगा, और अच्छा आदमी नहीं आएगा तो अच्छा समाज भी बन नहीं सकता, अच्छा राष्ट्र भी बन नहीं सकता। और सबसे बड़ा समस्या है अच्छा आदमी का, अच्छा आदमी मिलना मुश्किल है, उसके लिए वो आदमी नहीं है, वो जो सिस्टम का अंदर से वो निकला वो सिस्टम में गलत है। उस सिस्टम को सुधारने के लिए ठाकुर सुविवाह का बात बोला, कंफर्टेबल मैरिज। अगर कंफर्टेबल मैरिज नहीं होगा, कंफर्टेबल बच्चा नहीं होगा, दुनिया में समस्या रहते ही जाएगा, समस्या का निदान कभी नहीं होगा। वो नहीं चाहता तब भी वो ऐसी काम करेगा, समाज में अच्छा नहीं होता। तो ठाकुर जो जो चीज बोला वो हम लोग शिक्षा दीक्षा विवाह सब कुछ अगर ठीक नहीं होगा, केवल नाम लेने से नहीं होगा, घर में अच्छा मेरिज सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। ठाकुर जैसे मेरिज सिस्टम के बारे में बोला, अगर मेरिज सिस्टम आप लोग ठीक कर लेता, ठाकुर इसीलिए विवाह का ऊपर बहुत जोर दिया, एक अच्छा आदमी के लिए सुविवाह बहुत जरूरी है। ठाकुर प्रतिलोम विवाह के लिए मना किया, ये अनुलोम प्रतिलोम जो ये अभी ये इतना को मैं आपको एक्सप्रेस करने का टाइम नहीं है। ठाकुर को जी है इसलिए ठाकुर बोला शिक्षा दीक्षा विवाह ये अगर ठीक कर लो तो दुनिया बच जाएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है। ठाकुर ये बात भी बोला, मैं जो चीज देखे ये कह रहा हूं आप लोग को, ये अगर ठीक से आदमी परिवार में शिक्षा दीक्षा विवाह ठीक रख के इष्टमय होकर चलेगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन ये पृथ्वी में सारा देवता बन जाएगा। हम लोग बोलता हूं ना कभी ये भारतवर्ष 33 करोड़ देवता का वास था, ठाकुर चाहता है ठाकुर सब आदमी देवता बने, और देवता बनने के लिए हमको समर्पण चाहिए। ठाकुर चाहता है हम लोग मंगलमय रहो, ठाकुर चाहता है हम शांति में रहो, ठाकुर चाहता है हमारा रोग शोक जरा मृत्यु व्याधि से मैं बहुत दूर रहो। ठाकुर नाम ध्यान के लिए बोला, बोला दीक्षा लेने से नहीं होगा, दीक्षा का साथ निष्ठा से नाम ध्यान प्रार्थना सुबह शाम प्रेयर समय से स्थिति निवेदन करना, उपयोजना केंद्र पूजनीय बाबाई दाने सारा जगह में कर रहे, स्थिति ठीक से करना, 3 दिन स्थिति भेजना, स्थिति के साथ भक्ति बुज्ज भूत बुज्ज जो चीज दिया वो ठीक से करना, सारा ये ठाकुर का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला को हम लोग जीवन में अडोप्ट करना पड़ेगा तो हम लोग अच्छा समाज अच्छा देश बना सकता हूँ। जब तक हमको जीवन में ठाकुर प्राइमरी नहीं होगा,
तो सब कुछ उल्टा ही बनेगा। कोई ही इज ए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारा जीवन में होना पड़ेगा। हमारा जीवन तो सब कुछ मालिक है, वो बिना हमारा जीवन हो नहीं सकता। हम लोग ठाकुर का असीम दया से पूज्यवाद बड़दा को ठाकुर छोड़ के गया था, इसके बाद पूज्यवाद दादा है, पूज्यवाद बाबा दा है, वो हमको ठाकुर का जो रास्ता में ठीक से चलने के लिए हमेशा हम लोग को रास्ता दिखाता है। उनको देख के हम ठाकुर को समझने का रास्ता ठाकुर खोल के रखा, नहीं तो दूसरा जो महापुरुषोत्तम आया आने का बाद सब कुछ देखे किया। बाद में जब आप लोग को पता होगा श्री कृष्ण जब आया था ना, हजारों साल तक श्री कृष्ण को कोई नहीं जानता था, बाद में साधु महापुरुष लेके लोग अब कृष्ण को प्रचार कर, अभी इस्कॉन से शुरू किया बहुत, वहां भी मेरे सिस्टम में गड़बड़ है, इस्कॉन में जो मर्जी जिसके शादी कर लो, मेरे सिस्टम में प्रॉब्लम होगा तो अच्छा हाथ भी नहीं आएगा, मशीन खराब है, ठाकुर जो चीज बोला वो ठीक ढंग से कहीं नहीं है। ठाकुर जो चीज आज पृथ्वी में देखी किया, अभी तक कोई पुरुषोत्तम माँ के इसी देह के नहीं किया। अच्छा समाज, अच्छा राष्ट्र, अच्छा व्यक्ति, अच्छा परिवार बनने के सारा फॉर्मूला ठाकुर देखी। हम लोग को उसको मेटेरियलाइज करना, घर घर में पहुंचाना, ये पृथ्वी को स्वर्ग बनाना, आदमी को ठीक से, हमारे जीवन का ऑक्सीजन है ठाकुर, अगर ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा हम तो रह के ना रहेगा, हमारा तो सांस ही बंद हो जाएगा। हमको सोचना पड़ेगा हमारे जीवन का सब कुछ प्रभु है, मालिक है, हमारा बहुत भाग्य है हम लोगों को मिला। ठाकुर बात बोलते बोलते ठाकुर का बात का कोई खत्म नहीं है। मनमना भव मत भक्त मत जाइम नमस्कार मामे बसे सत्यम प्रति जाने प्रिय हो। हमको उनका जाजन करना, जो उनका जाजन करता है हर अवस्था में, वो उनका जो प्रिय होता है उन्होंने हमको रक्षा करता है। तो हमको इष्टमय होके चलना, मंगलमय होके चलना। बहुनाम जन्म नाम ज्ञानवान मान पदे वसुदेव सर्व मीति स महापशु दुर्लभ। कृष्ण ने कितना हजार साल पहले बोल किया वसुदेव को चाहिए। बहुनाम जन्म नाम ज्ञानवान मान पदे वसुदेव सर्व मीति स महात्मा छू दुर्लभ। उनका मिलना बहुत कठिन बात है, उनको हमको लेके चलना, मालिक साथ हमारा हमेशा संपर्क रखना, संपर्क रखता है रास्ता है कि नाम चलाना, चलते फिरते उठते बसते हमेशा नाम अंदर चलना। बैठ के ठाकुर ने बोला मिनिमम 45 मिनट तुम ध्यान में बैठो। हम तो कितना टाइम बैठने कोशिश करता हूं, हमको नाम ध्यान प्रार्थना सब परफेक्टली करना पड़ेगा निष्ठा से, और उसके लिए भी हमारे जीवन में इसी नाम ध्यान प्रार्थना स्थिति ठीक से नहीं होगा, उनका कृपा नहीं होगा, तो इसीलिए उनका पास प्रतिदिन सुबह उठ के जब नाम ध्यान प्रार्थना का बाद प्रभु के पास मैं भिक्षा मांगूंगा, हे प्रभु तुम कृपा करो, मैं हमेशा तुम्हारा चरण लेके तुम्हारा तुम जो जो बोला हमारा जीवन में करने के मैं कोशिश करना है, उनका कृपा होगा तो ये असंभव नहीं है, ये पूरा संभव है। उनसे भिक्षा मांगना है प्रतिदिन, हे प्रभु तुम कृपा करो मैं तुमको लेके चल सकता हूँ। अगर प्रभु हमारे जीवन में है जो कुछ हो दुनिया में हमको डरने का कोई बात नहीं है, हर अवस्था में उन्होंने हमको उस पार ले जाएगा। हमको तरना है, हाथ हिलाना है, सिर उनका सामने रख रख के मैं चलना है, हमको कोई समस्या कभी नहीं आएगा। सभी का मैं सर्वांगीण मंगल प्रार्थना करता हूँ। आज जो जो दादा माँ पंजाधारी गर्मी सभी को मेरा आंतरिक जय गुरु, सभी का सर्वांगीण में मंगल प्रार्थना करता हूँ। मैं कोशिश पता नहीं कितने किया, ये परमपिता का दया है, अगर कुछ बोल सका तो उनके कृपा से होता है। आपको सबका मंगल प्रार्थना करके मैं विदाई लेता हूँ। जय गुरु।